कि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूनेस्को डिक्लेयर सिक्स राजस्थान फोर्ट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को जो एक संस्था है, ठीक है, यूनेस्को का कई बार जो है ना ये पूछ दिया जाता है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यू का मतलब होता है क्या, यू से होता है यूनाइटेड, एन से क्या होता है नेशनल, ई से क्या होता है एजुकेशनल, एस से क्या होता है सोशल, सी से क्या होता है कल्चर, ओ से क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप कि यूनेस्को का आपको फुल फॉर्म समझ में आ गया होगा, यूनाइटेड नेशनल, ई से एजुकेशन, एस से सोशल, सी से कल्चर, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली सोशल कल्चर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, ठीक है। तो इसके शॉर्ट ट्रिक मैं आपको अब बता रहा हूँ कि जो इन्होंने साइट ने अपना सर्वे के दौरान राजस्थान के 6 फोर्ट को, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया था। ये लोग अपना सर्वे करते हैं, इसके सर्वे के अकॉर्डिंग जो सारा रूल्स को ये फुलफिल जो भी करता है उसको ये हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर देते हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक आप कैसे याद रख सकते हो, राजस्थान के फोर्ट हैं सारे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, उसको याद रख सकने का शॉर्ट ट्रिक है चीकू गाजर आम। चीकू गाजर आम, ची से क्या होगा चित्तौड़गढ़ का किला, ठीक है, चित्तौड़गढ़ का किला जो काफ़ी फेमस है, महाराणा प्रताप का किला था चित्तौड़गढ़, ठीक, चित्तौड़गढ़ में। कू से क्या है कुल्लभगढ़, ठीक है, ठीक है। गौ से क्या हो गया गागरेन, ये कहाँ है झालावाड़ राजस्थान में होता है। जे से क्या है जैसलमेर, जैसलमेर कहाँ है राजस्थान में, यहाँ कौन सा फोर्ट है सोनार फोर्ट है, मैंने कहा था ना जैसलमेर में जो है गोल्ड फोर्ट है इससे पहले वाले वीडियो में, तो यहाँ दे रखा है जैसे जैसलमेर में सोनार फोर्ट है, ठीक है, यानी गोल्ड फोर्ट के नाम से जाना जाता है। गौ से क्या है रणथंभौर फोर्ट, ये कहाँ है सवाई माधोपुर जो कोटा के नियरेस्ट 3-4 घंटे के रास्ते में है, ठीक है। आ से क्या है आमेर फोर्ट, आमेर फोर्ट कहाँ है आमेर फोर्ट जयपुर में है जो कि पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर हवा महल भी है जल महल भी है आमेर फोर्ट भी है। आमेर फोर्ट में ही जोधा रहा करती थी, ठीक है, ओके। आई होप कि आपको ये हमारा शॉर्ट ट्रिक पसंद आएगा, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो बना सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।